हाय, दिस इज नीति रॉय. वेलकम टू माय चैनल. आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज से गुजरात हाईकोर्ट ने बैन हटा दिया है. कोर्ट का कहना है कि फिल्म किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती है. बता दें, नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म महाराज साल 1862 की महाराज ट्राइबल केस पर आधारित है, जिससे जुनैद खान बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू कर रहे हैं. सो टुडे इन दिस वीडियो, लेट्स नो मोर अबाउट दिस मूवी एंड द डेब्यूटेंट एक्टर एंड नो डज ही लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. महाराज में एक डायलॉग है जहां फिल्म का एक कैरेक्टर कहता है, जो 100 सालों से चला आ रहा है उसे आज नहीं बदला तो सदियों तक चलेगा. सिर्फ धर्म गुरुओं के नाम बदलेंगे, किससे वही रहेंगे. और ये सुनकर कहीं ना कहीं बॉबी देवल स्टारर आश्रम और मनोज वाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है की याद आ जाती है. आश्रम हो या बंदा हो या महाराज, ये सभी शो और फिल्में एक ही कड़ी से जुड़ती हैं. वो है फर्जी धर्मगुरु और अंधभक्ति की सच्ची घटनाएं. सभी अलग अलग समय और जगह की घटनाएं हैं जब लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया. महाराज की कहानी करसनदास मूल जी से शुरू होती है, जो एक पत्रकार और सोशल रिफॉर्मर थे. फिल्म में इनका किरदार निभाया है जुनैद खान ने. करसनदास ने कभी घूंघट प्रथा के विरोध में आवाज उठाई, तो कभी महिलाओं की शिक्षा को लेकर, तो कभी विधवा विवाह के पक्ष में लेख लिखे. वो समाज में फैले पिछड़ेपन को लगातार चैलेंज करते रहे, जिस वजह से उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया गया. दादा भाई नौरोजी से प्रेरित करसनदास ने साल 1855 में अपना खुद का अखबार सत्य प्रकाश निकालना शुरू किया, जिसमें उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के धर्मगुरु जदुनाथ जी महाराज के व्यवहार पर लगातार सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति और आस्था की आड़ में महाराज महिलाओं का यौन शोषण करते हैं. ये घटना है साल 1862 की. फिल्म में जदुनाथ जी का किरदार निभाया है जयदीप अहलावत ने, जिन्हें नाम दिया गया है जे जे. करसनदास के लेखों से प्रभावित होकर जे जे उन पर मानहानि का केस करता है, जिसके बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है. पूरी फिल्म इसी केस के इर्द गिर्द घूमती है. शुरुआत में इस फिल्म के साथ मैंने मनोज वाजपेयी की फिल्म बंदा का नाम इसलिए ऐड किया था क्योंकि वो पूरी फिल्म भी अंधभक्ति वर्सेस सच्चाई की कहानी है, जहां एक पावरफुल इंसान को नीचे लाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और कानूनी लड़ाई लड़कर जीत हासिल की. खैर, ये तो हुई फिल्म के बेसिक प्लॉट की बात, लेकिन निर्देशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो महाराज एक एवरेज फिल्म बनकर रह जाती है. इतना गंभीर विषय उठाने के बावजूद फिल्म कोई प्रभाव पैदा नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं क्रिएटिव लिबर्टी की चक्रव्यूह में फंस जाती है. दिस फिल्म मेनली एम्स फॉर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अगेंस्ट ब्लाइंड डिवोशन. आस्था या भक्ति किसी भी व्यक्ति की बेहद निजी चॉइस है, जिस पर सबका अपना हक है. लिहाजा किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है, चाहे करने वाला कोई भी हो. बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया है, जिन्होंने इससे पहले रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म हिचकी बनाई थी. वो फिल्म जितनी संजीदा थी, महाराज उतनी ही सतही. आप इस फिल्म की कहानी से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिल्म में सब कुछ सरफेस लेवल पर चलता है. चाहे वो करसनदास और उनकी फैमिली का सब प्लॉट हो, किशोरी के साथ उनकी लव स्टोरी का एंगल हो, या जेजे के साथ कानूनी लड़ाई. द स्टोरी स्टार्ट्स इन एन इंट्रीगिंग वे, जहां एक के बाद एक हमें सभी किरदारों से मिलाया जाता है, सभी के विचार हमारे सामने आते हैं और कहानी को एक दिशा मिलती है. लिहाजा आगे चलकर आप कहानी में कुछ हाई पॉइंट्स का इंतजार करते हैं, लेकिन वो गिने चुने मौकों पर ही देखने को मिलता है. महाराज के किरदार को काफी भव्य दिखाया गया है एंड जयदीप अहलावत ट्राइज हिज बेस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंसेस माइंड विद हिज इंटेंस एक्टिंग, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि कैरेक्टर्स की लिखावट कमजोर है. फिल्म के विलन से आपको जितनी ज्यादा नफरत होगी, हीरो का जीतना आपको उतनी ही खुशी देता है. आई हैव सेड दिस अर्लियर एंड आई विल से दिस अगेन, कोई भी फिल्म टेक्निकल लेवल पर या ऑन पेपर कितनी ही अच्छी हो, लेकिन यदि कहानी और कैरेक्टर्स आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे, इट वोंट वर्क. चाहे वो कोई सुपर हीरो फिल्म हो या सच्ची घटना पर आधारित फिल्म हो, वो नहीं काम करेगी. जुनैद खान ने इस फिल्म के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है. एक्टिंग के लिहाज से वो इम्प्रेस करते हैं, कैमरे के सामने वो नेचुरल हैं और हाव भाव में पक्के हैं, लेकिन उन्हें अपने डायलॉग डिलीवरी पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है. शालिनी पांडे और शर्वरी के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन जब राइटिंग ही कमजोर हो तो एक्टर कैरेक्टर में कितना ही जान डाल देगा. फिल्म में दो दो एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन दोनों ही बस सपोर्टिंग रोल में बंधकर रह जाती हैं. फिल्म के म्यूजिक का जरूर जिक्र करना चाहूंगी. लंबे समय के बाद किसी फिल्म में एक होली का गाना देखने को मिला है, जो कि काफी खूबसूरती से फिल्माया गया है. वहीं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर स्ट्रांग है, जो कहानी को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद देता है.
कुल मिलाकर फॉर मी महाराज एक एवरेज फिल्म है. इवन दी परफॉर्मेंसेस आर गुड, द फिल्म फेल्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ वीक राइटिंग. इस हफ्ते महाराज के अलावा नेटफ्लिक्स पर टीवीएफ की वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री भी आ चुकी है, जिसका रिव्यू आप यहाँ देख सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.